एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो अभी टाइम हो रहा है 12:30 का, और 10:30 के हम 10:30 तो नहीं, 10 के हम घर से निकल गए थे। और सडनली प्लान बन गया था हमारा यहाँ पे आने का, सांगला में दीपक का ननिहाल है, तो मम्मी का मायका, दीपक का ननिहाल। तो हम आए हैं यहाँ पे, विहान, विवान और मैं, और आज हम यहाँ पे रहने वाले हैं। तो अच्छी फीलिंग है, सांगला वैली का नज़ारा जो है वो बहुत खूबसूरत है। कोशिश करूँगी कि मैं कहीं जाऊँ और आपको दिखाऊँ। बाकी बाहर मैं आपको घर वालों से मिलाती तो क्या वो दिखाती, क्योंकि मुझे शर्म आती है वैसे वीडियो बनाने में। तो बाकी यहाँ से नज़ारा दिखाऊँगी कैसा दिख रहा है। और फिलहाल जो है खाना वगैरह बना लेते हैं दिन का, क्योंकि यहाँ पे बहुत पहले जब मैं आई थी तब भी मैंने बनाया था, याद होगा आपको, क्योंकि यार सबसे छोटी मैं ही हूँ यहाँ पे, तो इस करके। तो अभी जो है मैं कपड़े वगैरह चेंज कर लेती हूँ अगर कहीं जाना नहीं हुआ तो। बाकी मिलते हैं थोड़ी देर में। तो अभी हम जा रहे हैं घूमने, और सच बताऊँ तो इतनी सुंदर जगह है, व्यू पॉइंट है वैसे। यहाँ पे मेरे बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा नीचे तरफ, तो यहाँ से जो है नज़ारा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाऊँ। अभी हम यहाँ से आगे जा रहे हैं, मैं नहीं पता हम रक्षम जाएंगे या चितकुल तक जाएंगे। बाकी ये सेब के बगीचे जो भी आपको दिख रहे हैं, जितना कुछ भी है ये सारे सेब के बगीचे। और हवा के वास्ते पता नहीं मुझे आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही है। बाकी ये गांव जो है वो बटसेरी है, और यहाँ से आगे तो आप देख ही सकते हो यार क्या खूबसूरत नज़ारा है, मतलब क्या ही बताऊँ, जन्नत बोलते तभी यहाँ पे। यार सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है यार, सच में। बाकी दीपक और विवान है मेरे साथ, विहान को हम नहीं लेके आए, और चलते हैं आगे। आगे आपको और खूबसूरत खूबसूरत जो नज़ारे हैं वो दिखाते हैं। बाकी हाय तो बोलो। अभी हम पहुंच गए चितकुल, और अभी हम पानी के पास जा रहे हैं, ज़रा वहाँ से व्यू देखते हैं कैसा है। मेरी इच्छा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज तक मैं पानी के पास कभी नहीं गई हूँ, तो इसके के थोड़ा मन था जाने का। दिखाते आपको भी कैसा है नज़ारा, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा। ये गुड आफ्टरनून। तो अभी हम जो है वो चितकुल पहुँच चुके हैं, और मतलब पानी की आवाज़ सुनाई दे रही होगी या नहीं पता मुझे। यहाँ देख सकते हो मैं दोनों साइड के
फ्रंट और बैक का दोनों का कैमरा यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि व्यू भी बहुत अच्छा है और मेरे पीछे वाला व्यू भी बहुत अच्छा है, तो दोनों साइड से मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि कितना ज़्यादा खूबसूरत सा नज़ारा है यहाँ का। और आगे आगे तक आप देख सकते हैं, यहाँ टूरिस्ट भी है काफ़ी हद तक, और हवा की आवाज़ से आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही, नहीं पता। बाकी गाँव की बात करूँ तो गाँव वहाँ पे है ऊपर, और आँखें भी छोटी करनी पड़ रही है बाकी। और देख सकते हो यार नज़ारा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। और यहाँ से ही जो है ऊपर ऊपर तक पहाड़ियाँ वगैरह सब कुछ दिख रही है, खूबसूरत सा नज़ारा है, खूबसूरत, बहुत ज़्यादा सुंदर। जो चिटकुल नहीं आया है तो वो मेरी नज़रों से ही चिटकुल देख ले, मतलब मेरे ब्लॉग के थ्रू ही चिटकुल देख ले, क्योंकि मैं खुद फर्स्ट टाइम आ रही हूँ चिटकुल में, ऐसा नहीं कि मैं पहले भी आ चुकी हूँ, तो फर्स्ट टाइम ही है मेरा। और मतलब पहले आई थी बट यहाँ तक नहीं पहुँच पाई थी, इस टाइम बर्फ़ पड़ी थी तो इस वजह से। बाकी अभी तो आप देख सकते हो बहुत कुछ यहाँ पर बन चुका है, मतलब फैसिलिटी अवेलेबल है, बहुत कुछ है। अभी हाँ अभी वाहन और दीपक जो है वहाँ बैठे हुए, और यहाँ से नज़ारा कुछ ऐसा ऐसा है। क्या मजाक हो रहा है, इतनी तेज़ बारिश हो रही है, हर कुछ ख़तरनाक वाली, ऊपर देख सकते हो मौसम बिल्कुल ख़राब है, हवा और तेज तूफान और बारिश, हाँ क्या जी लेट जी, हाँ छोटे ही है, चलो। बाकी अभी मैं बना रही चिकन, बाहर